नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं हुंडई ओरा की पांच ऐसी खास बातें जो कि पड़ सकती है मारुति सुजुकी डिजायर पे भारी। तो अगर आप भी इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम कोई डिजायर की इस वीडियो में बुराई नहीं करने वाले, बल्कि ओरा की पांच ऐसी खास बातें बताने वाले हैं जो कि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए हुंडई ओरा एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहली खास बात के बारे में, जो कि है ओरा का डिजाइन। तो इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा डिजाइन हुंडई ने इस गाड़ी को दिया है। इसका जो फ्रंट है वो हमें कुछ कुछ न्योस आइटन न्योस की तरह देखने में लगता है। और वहीं अगर बात करें एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स की, तो ट्विन बूमरैंग एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि ग्रिल के साथ, फ्रंट ग्रिल के साथ इंटीग्रेटेड है और देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगती है बाकी गाड़ियों से। इसके जो व्हील आर्क्स का डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है इस गाड़ी को। रूफ की अगर हम बात करें तो रूफ में हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को काफी एक्सपेंसिव लुक देता है, जो कि हमें डिजायर में देखने को नहीं मिलता। रियर की बात करें तो रियर का डिजाइन भी काफी अच्छा है, काफी यूनिक लुक देता है पीछे से गाड़ी को। और इसमें हमें एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है 3D आउटर लेंस के साथ। ओवरऑल बैक डिजाइन जो है वो काफी देखने में अच्छा लगता है। वहीं अगर हम बात करें पीछे की पिलर्स की, तो हमें ब्लैक ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को काफी ज्यादा स्पोर्टी और एक्सपेंसिव लुक देता है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड में हमें नए तरह के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले हमें हुंडई की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल एक फ्रेश यूनिक डिजाइन हमें अलॉय व्हील्स का देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें डिजायर की, तो डिजायर इंडिया की नंबर वन सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान है, जो कि पिछले काफी टाइम से नंबर वन रह रही है सेल्स में। और उसका एक बड़ा कारण है इस गाड़ी का डिजाइन और स्पेस। तो यहाँ जो डिजायर की अगर हम बात करें तो डिजायर जो है ओवरऑल काफी ज्यादा पसंद है लोगों को। तो दोस्तों, वैसे तो डिजाइन जो है वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें हुंडई ओरा की, तो इसका प्रीमियम और स्पोर्टी लुक जो है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है डिजायर के कंपैरिजन में। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हुंडई ओरा है उसका डिजाइन जो है वो मारुति सुजुकी डिजायर को टक्कर दे सकता है। तो आपकी क्या राय है इन दोनों ही गाड़ियों के डिजाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चीज देखने में ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आती है। तो आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफी मदद मिल सकती है कि इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो ओरा देश की पहली ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान होने वाली है जिसमें हमें काफी ज्यादा पावर मिलने वाली है। तो परफॉर्मेंस लवर्स के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसमें हमें मिल जाता है 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, जिसमें हमें मिलती है 120 PS की पावर। और ये गाड़ी जो है परफॉर्मेंस में काफी अच्छी होने वाली है। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस हाई पावर वाली गाड़ी चाहिए तो डिजायर में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें डीजल इंजन ऑप्शन की, तो हुंडई ओरा में आपको 1.2 लीटर का BS6 कम्बलाइज का इंजन देखने को मिल जाता है डीजल इंजन, और डिजायर में ये इंजन जो है हमें नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर आप डीजल इंजन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हुंडई ओरा ही एक बेटर ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सस्पेंशन की। तो हुंडई का कहना है कि हुंडई ओरा में जो आपको सस्पेंशन मिलने वाला है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, काफी ज्यादा बेटर है, काफी ज्यादा अच्छा आपको राइड कंफर्ट मिलने वाला है। और हुंडई का कहना है कि ये जो सस्पेंशन है वो इस सेगमेंट में कॉम्पैक्ट सेडान में सबसे बेस्ट होने वाला है। ऐसे में हुंडई ओरा जो है वो आपको बेटर राइड कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है सिटी में भी और हाईवे में भी। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं हुंडई ओरा की। तो हुंडई ओरा में आपको 5 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री में मिलने वाली है, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो कि हमें डिजायर में खरीदने के बाद 15,000 एक्स्ट्रा पे करने के बाद हमें एक्सटेंडेड वारंटी खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, हमें हुंडई ओरा में कम प्राइस में भी वायरलेस चार्जिंग जैसे काफी प्रीमियम फीचर और बिगर 8-inch फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें कंफर्ट की, तो डिजायर से बेटर हमें थाई सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें कैबिन स्पेस और बूट स्पेस की, तो ज्यादा हाइट होने की वजह से हमें कैबिन स्पेस ज्यादा देखने को मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी जो है डिजायर से बेटर देखने को मिलने वाला है हमें हुंडई ओरा में। तो ये थी हुंडई ओरा की पांच ऐसी खास बातें जो कि पढ़ सकती है मारुति सुजुकी डिजायर पे भारी। तो ओरा और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।